निर्माण जारी है और आज 2023 लग चुका है और कहां तक इसकी प्रगति पर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। जो रनवे तैयार हुआ है कब तक बन जाएगा? तो साल भर लगेगा और 6 महीना साल भर के अंदर हो जाएगा। जैसा कि हमें हाँ बिहार का रहने वाला है, बिहार का। अच्छा, यहाँ पर काम करने के लिए आई है? हाँ। तो अभी दोस्तों अयोध्या की और भी अच्छी अच्छी खबरें आप सबको बताएंगे, उससे पहले चरण इधर लाओ मोबाइल लाओ यार, पहले पढ़ लें यार ठीक से क्या था। अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। अच्छा हाँ, लो पकड़ो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अब स्टार्ट करिए भाई साहब अयोध्या एयरपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और बार आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्विस्ट फॉर यू में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जहाँ पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। सन 2021 से ही इसका निर्माण जारी है और आज 2023 लग चुका है और कहाँ तक इसका निर्माण बन चुका है, कहाँ तक इसकी प्रगति पर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है इसका नाम किस चीज़ से रखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम अयोध्या में हैं तो हमारे अयोध्या की आन शान भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा ये अयोध्या का एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एयरपोर्ट 3 टर्मिनल में बनेगा, जैसा कि 3 चरण में तैयार हो। तो ये पहला चरण बन के स्टार्ट हो रहा है, पहला चरण मतलब कि इस साल में 2023 तक इनका एम था पहला चरण कम्प्लीट करने का, जो कि तैयार होने के कगार पर है। अभी इधर दिखा सकते हैं हम आप सबको, दिखाएंगे ये जो आप देख सकते हैं ये एरिया, यहाँ पर दूसरा चरण और तीसरा चरण बनने का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसका एम 2025 तक है। 2025 तक यहाँ पर तीनों चरण जो 3 टर्मिनल बनने हैं यहाँ पर अयोध्या में, वो तीनों चरण बन जाएंगे 2025 तक। जैसा कि दोस्तों 525 करोड़ का बजट सबसे पहले दिया गया था, जो कि अभी तक 300 करोड़ लग चुके हैं पहले चरण में ही। और दोस्तों मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कितने कहां तक ये काम जारी हो सकता है। आइए आप आइए आगे आइए, अभी ये देख सकते हैं कम से कम मिनिमम 3 किलोमीटर तक ये रोड तैयार हो चुकी है। अभी मैं जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है वहां पर लेके चलेंगे, वहां पर और भी अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं, सुधर चुकी हैं, और कितने घर यहाँ पर किन किन लोगों का मकान आ रहा है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें। तो एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के अंदर जो मकाने आ रही हैं वो सारी चीज़ें टूट रही हैं, मकाने टूट रही हैं कैसे, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे अभी हम अपने पूरे वीडियो में। तब तक हमारे YouTube चैनल में ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। रोल कैमरा एक्शन। तो गाइस साहब हम अबे पीछे से गलती हो गया फिर से। रोल कैमरा एक्शन। तो गाइस साहब हम चल रहे हैं आराम से, पीछे से शुरू में सब धीरे धीरे चलते। रोल कैमरा एक्शन। तो गाइस साहब हम चल रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम आप सबको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, इसी के साथ शहर की पहचान भी तेजी से बदल रही है। अभी राम मंदिर के साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी तेजी से। कहाँ पर श्रद्धालु लोग आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था, वो कहाँ पर रहेंगे, नहाएंगे कहाँ पर, ये सारी व्यवस्था देखी जा रही है हमारे सरकार की तरफ से। और इसके लिए हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन दोनों बहुत ही तेजी से तैयार हो रहे हैं, और रेलवे स्टेशन भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम हवाई अड्डे की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम हवाई अड्डे पर ही आए हुए हैं जहां पर इसका निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हम हवाई अड्डे की बात करेंगे, और हमारा अयोध्या आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस समय ट्रेंड चल रहा है, अयोध्या हमारा काफ़ी ज़्यादा भव्य रूप और काफ़ी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे अयोध्या में रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें सारी वीडियो आपको हमारे ट्विस्ट फॉर यू चैनल की तरफ से आपको दिखाते रहेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, ये JCB यहाँ पर आ रही है और उसके पीछे ट्रक है, मिट्टी जिसे काम चल रहा है, जो कि हम आपको दिखाने के लिए आ चुके हैं अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आप सबको यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आज कई दिनों बाद, करीब 15 से 20 दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, क्योंकि ठंडी का बहुत ही तेज़ी से कहर बन चुका था अयोध्या नगरी में लेकर साथ साथ कई सारे प्रदेशों में। तो अभी आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो हम सोचे कि आपको यहाँ की सैर करवाते हैं अयोध्या एयरपोर्ट की।
जैसा कि दोस्तों अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट को प्रभु श्री राम का नाम दिया जाना पहले ही तय हो चुका है। इसे राम मंदिर के मॉडल पर बनाया जाएगा ये भी तय हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मॉडल को देखकर हरी झंडी दे चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि न सिर्फ मॉडल राम मंदिर का होगा बल्कि उन्हीं पत्थरों के जरिए तैयार किया जाएगा जिनसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। छोटे विमानों की उतरने की व्यवस्था के साथ 300 यात्रियों की क्षमता वाले पहले टर्मिनल के 2023 में चालू हो जाने की उम्मीद है, जबकि पूरा एयरपोर्ट 2025 तक तैयार हो जाएगा। तो उनकी हम एक बार झलक दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ आए हुए थे हमारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, ये देख सकते हैं। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে। दोस्तों आइए हम पूछते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से कि कंस्ट्रक्शन का काम कितने दिन से चल रहा है, और आए हुए हैं यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन का काम कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक ये पहला जो रनवे तैयार हुआ है कब तक बन जाएगा। तो हमें बताइए, पहले तो हम आपका नाम, आप अपना नाम बता दीजिए। बबलू नाम है मेरा। जी जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं जिला इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। ये जो काम आप स्टार्ट किए हैं कितने दिन से स्टार्ट हो रहा है काम? ये अभी तो लगभग मैं बाद में आया हूँ, और अब लगभग साल भर लगेगा, और 6 महीना साल भर के अंदर हो जाएगा। जैसा कि हमें पता चला है कि यहाँ पर 3 रनवे बनाए जाएंगे, ये पहला चरण बन रहा है, पहला रनवे इस 2023 में ही तैयार होगा। कि ये आपको मतलब कि 2023 में तैयार हो सकता है इस बार ये पहला रनवे? अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये काम अभी कितनी दूर तक, बस ये एयरपोर्ट यहीं तक रहेगा कि और आगे तक बनेगा? और लंबा होगा, और लंबा होगा, लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा। और जो इसमें हम पूछना चाहेंगे, जो घर आए हुए हैं इसमें लोगों का, उन घरों के कुछ मुआवजा मिल रहे हैं कि ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, दे रहा है मुआवजा, बिल्कुल दे रहा, बढ़िया दे रहा। बस ये पॉकलेन चलाते हैं, एक्सरावेटर है मशीन, तो सरकारी काम है। अच्छा, तो दोस्त था उसने बोला भाई यहाँ पे अब मशीन गाड़ी खाली है, अब आ जाइए। तो हम आ गए, 20-22 हज़ार रुपये पगार मिलता है खिला पिला के, बढ़िया ऐसे कमा रहे। से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, हमें जानकारी प्राप्त हुई, और अभी हम लोग और भी अच्छी तरीके से पूरा रनवे दिखाएंगे। ये रनवे कहाँ से स्टार्ट हुआ है आगे? वहाँ आगे गेट है मेन, हाँ नाका से, बाईपास नाका सुल्तानपुर वाला है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी वहाँ तक जाएगा आगे तक। तो वहाँ पर कैमरा अंदर ले जाने देंगे, वहाँ तक गाड़ी जा सकती है? जा सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा। आगे लाइक करो भैया, शेयर करो, जहाँ तक पहुँचाओ, वीडियो वायरल करो, मैं इलाहाबाद से हूँ, ठीक है, जितना वायरल करेंगे। उसे हम पूछते हैं कि उनको सरकार क्या मुआवजा दे रही है, उनके घर जो यहाँ के एयरपोर्ट लाइन पर आ चुके हैं उनको सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है? नाम है आपका? नाम बताइए। शांति देवी। शांति देवी, आप यहाँ की रहने वाली हैं? आप? हाँ, बिहार का रहने वाला है। बिहार का? अच्छा, यहाँ पर काम करने के लिए आई हैं? हाँ। मुझे लगा कि आपका घर इस एयरपोर्ट लाइन में आया। नहीं, हम बेटी हैं, आए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर काम करने के लिए आई हैं? हाँ, ताकने के लिए चुनने आए हैं लकड़ी उकड़ी। अच्छा अच्छा, तो अब बिहार से हम आए हैं, लखीसराय किऊल से आए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मैं सोचा कि आपका इसमें यहीं के रहने वाले हैं, लकड़ी उकड़ी आप इकट्ठा करने आए। बेटी है रहने वाला, आएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ निर्माण हो रहा है, क्या चीज़ बनने जा रहा है। सबसे पहले हम पूछेंगे कि बताइए आपका नाम क्या है? दीपू। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए लखनऊ से। लखनऊ से, तो अभी ये जो साइड में जो आप इसकी खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बनने जा रहा है? यहाँ पर पाइप लगेगा, इंजन बैठेगा। इंजन बैठेगा, तो कितने दिन से ये काम चल रहा है एयरपोर्ट का? हम तो हो गया 22 दिन। 22 दिन हो गया, तो देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों अयोध्या में कितनी तेज़ी से यहाँ का एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, कितनी तेज़ी से यहाँ का काम चल रहा है। आप हमारे YouTube में ऐसे ही बने रहिएगा। हम
जैसा कि दोस्तों अभी ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ये सीमेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो इसके मसाले जो यहाँ पर रोड पे बिछाने के लिए, वो कैसे तैयार हो रहे हैं। और इसका मुख्य द्वार आगे जो अयोध्या का जो मॉडल था, वो काफ़ी मॉडल तैयार हो चुका है। वो सारी चीज़ देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐसे ही बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्विस्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके बेल आइकन को दबाइए। अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा, पार्ट 2, उसको देखने। तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।